मल्टीग्रेन आटा के बारे में हम सबको पता है, सारे अच्छे ब्रांड्स मल्टीग्रेन आटा बेचते हैं। हम लोगों के पास हमेशा पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं होता है कि मल्टीग्रेन आटा में व्हीट फ्लावर के साथ और कौन कौन से फ्लावर मिले हुए होते हैं और उनसे हमें क्या क्या हेल्थ बेनिफिट मिलता है। या फिर हेलो एवरीवन, मैं हूँ शबाना और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लिव विद शबाना। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीग्रेन आटा के बारे में। मैं आपको बताऊंगी आप घर में कैसे मल्टीग्रेन आटा बना सकते हो और ये भी बताऊंगी कौन से आटा का क्या हेल्थ बेनिफिट है और कौन से आटा को आपके कौन से प्रोपोर्शन में मिलाना होगा ये मल्टीग्रेन फ्लावर को बनाने के लिए। दोस्तों, आप लोग अगर डिफरेंट टाइप के फ्लावर को अपने व्हीट फ्लावर के साथ राइट प्रोपोर्शन में मिलाओगे तो इट विल हेल्प यू टू प्रिवेंट डायबिटीज, कोलेस्टेरॉल, आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, किडनी एंड लीवर हेल्थ को भी ठीक रखें। एंड मे बी यू गाइज विल नॉट बिलीव, ये जो मल्टीग्रेन आटा अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये आटा आपके बेटर हेयर ग्रोथ एंड बेटर स्किन हेल्थ के लिए भी काम करता है। तो चलिए देख लेते हैं ये मल्टीग्रेन फ्लावर बनाने के लिए हमें कौन कौन से फ्लावर को मिलाना है। दोस्तों, पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि चिकपी फ्लावर बेसन नहीं होता है। बेसन जो होता है वो बंगाल ग्राम से बनता है और चिकपी फ्लावर सेपरेट होता है जो चिकपी से बनता है। चिकपी फ्लावर इज वेरी मच प्रोटीन एंड फाइबर एनरिच, सो इट हेल्प्स इन वेट लॉस, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, गट हेल्थ को ठीक रखता है। चिकपी फ्लावर आयरन एनरिच होता है, इसीलिए एनीमिया के जो पेशेंट है वो अपने डाइट में इसको रोज इंक्लूड कर सकते हैं। रागी इज प्रोटीन एनरिच एज वेल एज वेरी लेस इन कैलोरीज, सो अगेन इट ऑल्सो हेल्प्स इन वेट लॉस, ब्लड शुगर को कंट्रोल भी रखता है और रागी बहुत ज्यादा कैल्शियम एनरिच है इसलिए बोन हेल्थ को भी अच्छा रखता है। एज से ही अपने डेली डाइट में इंक्लूड करते हो तो ओल्ड एज में जाके आपको बोन रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस ये सब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। रागी हैज एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, सो ये यंगर लुकिंग स्किन देता है, अच्छे हेयर ग्रोथ को भी प्रोमोट करता है, इवन रागी ग्रे हेयर के प्रॉब्लम को भी मैनेज कर सकता है। ओट्स फ्लावर सेपरेटली अमेजन में मिल तो जाता है पर अगर आप लोगों को घर में भी बनाना हो आप बस ओट्स को ड्राई रोस्ट कर लीजिए और फिर उसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके भी बना सकते हो। ओट्स में होता है बीटा ग्लूकन जो डायबिटीज कंट्रोल करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है और गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बार्ले वेट लॉस में हेल्प करता है, किडनी फंक्शन को ठीक रखता है, जिनको भी क्रॉनिक किडनी स्टोन के इश्यूज रहते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये और लीवर हेल्थ को भी ठीक रखता है। बाजरा इज वेरी मच आयरन एनरिच, सो इट इंक्रीज ब्लड हीमोग्लोबिन। बाजरा बॉडी को डिटॉक्स करता है, मतलब बॉडी में जमा हुए हुए टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर देता है बाजरा। दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं हमें ये सारे फ्लावर्स को कौन से प्रोपोर्शन में मिक्स कर। ये मल्टीग्रेन फ्लावर को घर में रेडी करने के लिए आपको लेना है 1 kg व्हीट फ्लावर, उसके साथ 250 ग्राम चिकपी फ्लावर, 200 ग्राम बार्ले, 100 ग्राम बाजरा, 100 ग्राम रागी एंड 100 ग्राम ओट्स। मेरा ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोग ये मल्टीग्रेन फ्लावर को घर में यूज कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए आप लोगों को यूज करके कैसा लगा। एक हफ्ता यूज करने के बाद इफ यू आर फीलिंग एनी डिफरेंस इन योर लाइफस्टाइल, इन योर एनर्जी लेवल, प्लीज डू लेट मी नो दैट। और सब लोग बहुत अच्छे से रहना, हम लोग बहुत जल्द फिर मिलेंगे। किसी को भी कस्टमाइज डाइट प्लान चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तब तक के लिए टेक केयर गाइज़।